राम राम साथियों, मैं गौरव अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका अपने रामचरण एडुकेयर ऐप में। और काफी टाइम से हमारे पास रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर आप टैली की ऑनलाइन क्लास शुरू करो, तो हम लोग टैली की अब ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेके आए हैं। तो हम लोग इसमें कुछ मुद्दे आज बात करेंगे उनके ऊपर कि टैली की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर टैली है क्या, टैली सीखना किसके लिए जरूरी है, और इस चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से हम लोग टैली का पूरा कोर्स करेंगे, वो भी बेसिक से एडवांस लेवल का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मान के चलिए कि आपकी कोई शॉप है, इसको हम लोग हिंदी में दुकान बोल देते हैं, या फिर हम सिंपल बोल सकते हैं कि आपका किसी भी प्रकार का कोई व्यापार है, और आप उस व्यापार के या तो मालिक हो सकते हैं या उस व्यापार के मुनीम, क्योंकि मालिक या मुनीम दोनों ही व्यापार को संभालते हैं। अब पर किस प्रकार का हो सकता है तो बात करते हैं इसकी। तो आपकी कोई भी किराने की दुकान हो सकती है, आपकी कोई भी स्पेयर पार्ट्स का दुकान हो सकती है, शोरूम हो सकता है, दवाइयों की दुकान हो सकती है, फर्नीचर की दुकान हो सकती है, आपकी कोई भी बाइक की एजेंसी हो सकती है, गारमेंट्स का बिजनेस हो सकता है जहां सिले सिलाए कपड़े बिकते हैं, आपका मोबाइल का, सेलफोन का भी शोरूम हो सकता है, कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम हो सकता है जहां पे टीवी फ्रिज मिलते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, यानी कि आपकी जो फर्म है या तो गुड्स में डीलिंग करती हो या आपकी फर्म सर्विस में डीलिंग करती हो। तो व्यापार दो दायरे में आते हैं, गुड्स वाले भी और सर्विस। एक व्यापार ऐसे भी होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि सामान का उत्पादन करते हैं। अब इन व्यापारियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत आती क्या है, यदि इनसे पूछा जाए कि क्या आप कोई भी व्यापारी हो कि क्या आप बता सकते हैं कि आपकी फर्म में स्टॉक कितना है, लेनदारी कितनी है, देनदारी कितनी है, वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते ही नहीं है। अब क्या क्या दिक्कतें आती हैं कि आपको बिजनेस रिपोर्ट नहीं मिलेगी, यानी कि आप नहीं बता सकते कि हमारी फर्म का टर्नओवर क्या है। अब ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे, अगर कोई भी व्यापारी सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करता, टैली का या और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे यहाँ स्टॉक कितना है, उसे यही नहीं पता चलेगा कि मेरी फर्म रेवेन्यू कितना जनरेट कर रही है, उसे यही नहीं पता चलेगा कि मेरी फर्म का टर्नओवर कितना है, यानी कि टोटल सेल कितनी है, मैं पूरे साल में कितने रुपए का माल बेचता हूं, चाहे वो कैश में हो या फिर ऑन क्रेडिट यानी कि उधार हो, ठीक है। ना ही उसे ये पता चलेगा कि मेरी फर्म फायदा में है या नुकसान में है। तो अगर कोई भी व्यापारी, जितने मैंने यहां आपको समझाए हैं, अगर वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं करेंगे तो उनको बहुत दिक्कतें आएंगी। क्या आप अपने व्यापार का पूरा हिसाब कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहते हैं, या आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर कार्य करना चाहते हैं, या घर बैठे आप कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे आपके व्यापार को एक नई दिशा मिले या आपको रोजगार के अवसर प्रदान करें। यदि आपका जवाब है हां, तो यह ऐप और जो हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं, जो किया है हमने कोर्स डिजाइन, वो आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बात आती है कोर्स कंटेंट, यानी कि आप इस पहली क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। सॉरी, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि लेखांकन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम या मुंशी कौन होता है। टाइप्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि व्यापार में हम हिसाब को कितने प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, और जो हिसाब सुरक्षित रखने का तरीका है वो दो प्रकार का होता है, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड, उनमें डिफरेंस क्या है, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये पांच टॉपिक आज हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्लास वन वीडियो वन के नाम से है, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको भी स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि ये टॉपिक है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, फिर कौन सा टॉपिक है, और आपको टैली सीखना बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज अकाउंटिंग,
यानी कि लेखांकन क्या है? टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ ए बिजनेस दिस प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि आपकी कोई भी फर्म है, इस फर्म के अंदर आप क्या सामान ले रहे हो और क्या सामान आप दे रहे हो, यानी कि आपने व्यापार में क्या लिया और क्या दिया, यदि आप उसका हिसाब लिखते हो तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। जैसे आपने व्यापार में पूंजी कितनी लगाई, यानी कि अपनी जेब से कितना पैसा लगाया, आपने व्यापार में से कितना रुपया निकाल लिया, उसे ड्राइंग कहते हैं। सेल्स, आपने कितना सामान बेचा, आपने कितना सामान खरीदा। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, यानी कि आपने एक गोदाम से दूसरे गोदाम कितना सामान ट्रांसफर किया। एक्सपेंस, फर्म के अंदर कितने खर्चे हुए, फर्म के अंदर आय कितनी हुई, इनकम कितना हुआ। आपकी अगर फर्म मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, यानी कि आपने कितना सामान का उत्पादन किया, आपके पास कितना सामान वापसी आया या आपने कितना सामान वापसी किया, बैंक में क्या लेन देन हुआ है, आपके पास कर्ज कितना है यानी कि लायबिलिटी कितनी है, इन सब का हिसाब यदि आप लिखते हो तो इसका मतलब आप अकाउंटिंग कर रहे हो। तो हो गया ना आसान। तो अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन, लेखों का अंकन करना, यानी कि आप क्या ले रहे हो क्या दे रहे हो उसी को अकाउंटिंग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हु इज अकाउंटेंट, यानी कि मुनीम या मुंशी कौन होता है। तो सिंपल सी भाषा, व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को लिखने वाला व्यक्ति अकाउंटेंट मुनीम कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति व्यापार का हिसाब लिखेगा उसे अकाउंटेंट या मुनीम या मुंशी कहते हैं। देसी भाषा में हम लोग मुंशी या मुनीम कह देते हैं और अंग्रेजी भाषा में उसे अकाउंटेंट कह देते हैं। और इन दोनों ही व्यक्तियों का काम होता है व्यापार के हिसाब को लिखना। और जो व्यक्ति व्यापार के हिसाब को लिखता है उसे मुनीम, मुंशी या अकाउंटेंट कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंट्स, यानी कि हम अकाउंट्स को, हिसाब को कितने प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं। तो व्यापार में होने वाले लेन देन के हिसाब को रजिस्टर में, यानी कि नोटबुक में, या कंप्यूटर में, या दोनों में सुरक्षित हम रख सकते हैं। जैसे आपकी ये कोई दुकान है और आप उसके मालिक हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि मेरे व्यापार का हिसाब या तो कॉपी में रिकॉर्ड रहे या कंप्यूटर में रिकॉर्ड रहे। यदि आपका हिसाब कॉपी में रिकॉर्ड रहेगा यानी कि नोटबुक में, तो उसे कहते हैं मैनुअल अकाउंटिंग। क्या कहते हैं? मैनुअल अकाउंटिंग। और यदि आपके व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में लिखा जाता है तो उसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कितने प्रकार की है? दो, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड। यदि व्यापार का हिसाब नोटबुक में लिखा जाए तो मैनुअल अकाउंटिंग, और व्यापार का हिसाब अगर कंप्यूटर में लिखा जाए तो इसका मतलब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अब बात आती है कि मैनुअल अकाउंटिंग में और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में अंतर क्या है, क्या फायदा है क्या नुकसान है, वो हम बात करेंगे। यदि आपका कोई बिजनेस है, व्यापार है, दुकान है, फर्म है, कुछ भी आप बोल सकते हो जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, और उस बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रांजेक्शन हो यानी कि लेन देन हो, और आप वहां के मुनीम हैं और आप उस सब हिसाब को किसमें लिखते हैं? नोटबुक में, जिसे हम रिकॉर्डिंग बुक, बही खाता कहते हैं। तो आपके सामने सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि आप उस व्यापार की प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट नहीं बना सकते। मतलब आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि फर्म के अंदर स्टॉक कितना है, सेल कितनी हो गई, काफी चीजें हैं, दिक्कतें आएंगी। मतलब हम वो सब रिकॉर्ड बना सकते हैं लेकिन टाइम काफी लगेगा, और अब वो जमाना नहीं है कि जी हम समय लगाएं और उसके बावजूद हम प्रॉफिट भी कमा लें। अब वो है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है हार्ड वर्क का, यानी कि आप कठिन परिश्रम करके हिसाब लिख सकते हो, बिजनेस रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, लेकिन टाइम काफी लगेगा। यदि वही व्यापार है और उस व्यापार में जो भी लेन देन होता है और
वहां का जो अकाउंटेंट है मुनीम है वो क्या कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके बिजनेस की रिपोर्ट तैयार कर रहा है, यानी कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में यानी कि लैपटॉप में डेस्कटॉप में एक सॉफ्टवेयर उसने इंस्टॉल किया जिसके अंदर व्यापार का हिसाब लिखा जाता है। अब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से यह फायदा होगा कि उसे एक ही क्लिक में बिजनेस की सभी रिपोर्ट्स पता चल जाएगा कि देनदारी कितनी है, लेनदारी कितनी है, स्टॉक कितना है, फर्म प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो सब चीजें हमें पता चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमें यूज करना चाहिए। तो पहले तो सॉफ्टवेयर होता क्या है, तो ये कह रहा है सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में कार्य करने के लिए यूजर यानी कि हमारी मदद करता है। अर्थात आप एक यूजर हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापार का हिसाब कंप्यूटर में आए, तो हमें क्या खरीदना पड़ेगा, एक सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा जिसमें व्यापार का हिसाब हम चढ़ा सकते हैं। अब किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, बाजार में कितने तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जैसे कि सैप, सैप नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आप व्यापार का हिसाब चढ़ा सकते हो, बिजी है, मार्ग है, व्यापार ऐप है और टैली है, और भी ना जाने कितने सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल में अगर आप चलाना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, वरना अगर आप कंप्यूटर में लेना चाहते हो तो आपको परचेज करना पड़ेगा। इनमें से आप कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हो, लेकिन इन सब में अगर हम स्टूडेंट्स के नजरिए से देखें तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है टैली। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग टैली प्राइम का पूरा कोर्स सीखेंगे। तो टैली प्राइम क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें व्यापार का पूरा हिसाब लिखा जाता है, एक व्यक्ति उसमें पूरा हिसाब लिख सकता है और उसके बाद उसे एक ही क्लिक में पता चल जाएगा मेरे पास स्टॉक कितना है, लेनदारी देनदारी उधार रिटर्न हर चीज की रिपोर्ट उसे मिल जाएगी। और व्यापारी चाहता क्या है, व्यापारी यही चाहता है कि एक ही क्लिक में मुझे बिजनेस का डिटेल पता चल जाए, विवरण पता चल जाए कि आखिर व्यापार में ट्रांजेक्शन हो क्या रहा है। और जो लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं उनके यहाँ काफी चोरी होती है, और जो लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं उन्हें एक एक चीज का हिसाब उंगलियों पर पता होता है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ के व्यापारियों को लगता है कि भाई हमने तो दुकान खोल ली, फर्म चला ली और हमें तो हर चीज उंगलियों पर मालूम है कौन सी चीज कहाँ है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे व्यापार बढ़ता है तो मालिक भी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने कब पैसा लिया था, कब पैसा दिया था, काफी भूल हो जाती है। लेकिन अगर वही हिसाब कंप्यूटर में चढ़ाया जाएगा तो मालिक को बहुत फायदा होगा। शुरू में नुकसान लगता है कंप्यूटर खरीदने में, टैली खरीदो फिर एक अकाउंटेंट रखो, लेकिन उस बाद में फ्यूचर देखें तो बहुत फायदा होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग बस यहीं करेंगे, रोकेंगे। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को रामचरण एडुकेयर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे क्लास के। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।